आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। केंद्र सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद हरसिमरत कौर बादल और उनकी पार्टी अकाली दल के तेवर तल्ख हो गए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार से कृषि विधेयकों के मुद्दे पर उपजे असंतोष के कारण अकाली दल अब किसानों के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने गुरुवार को कहा, हम पहले हाथ जोड़ते थे लेकिन अब हम दिल्ली की दीवारें हिलाकर रहेंगे। हरसिमरत कौर बादल का बयान किसानों के उस विरोध के बीच आया है जिसका असर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में देखने को मिल रहा है। हरसिमरत कौर बादल आज दमदमा साहिब में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मत्था टेकने पहुंची थी। यहां पर अपने समर्थकों और किसानों को संबोधित करते हुए बादल ने कहा कि वो केंद्र सरकार से सहमत नहीं है और अब उनकी पार्टी किसानों की लड़ाई में साथ है। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने हाल ही में कृषि विधेयकों का विरोध करते हुए केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अकाली दल ने केंद्र के कृषि विधेयकों के खिलाफ वोट करते हुए संसद से लेकर सड़क तक इसकी खिलाफत का ऐलान किया था। बता दें कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल मोदी सरकार में अकाली दल की एकमात्र प्रतिनिधि थी। हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा देने के बाद कहा था कि केंद्र सरकार ने विरोध के बावजूद उनकी बात नहीं सुनी। इससे पहले लोकसभा में अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल ने बिल के विरोध में चेतावनी देते हुए ऐलान किया था कि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल कृषि संबंधी विधेयकों के विरोध में सरकार से इस्तीफा देंगी। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।